हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं फेशियल स्टेप कितने होते हैं। तो यहाँ पे ये फेशियल स्टेप सिक्स में बताने वाले हैं, सिक्स जो इम्पोर्टेंट है आपके स्किन के लिए। फेशियल आप करते हो या करवाते हो, दोनों आपके लिए बहुत ज़रूरी जानना, क्योंकि जब भी आप करवाते हो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्किन पर क्या किया जा रहा है। तो गाइस, अगर आप सीख रहे हो स्टेप बाय स्टेप हमारे कोर्स जो मैं आपको सिखा रही हूँ पार्लर, तो उससे आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है स्टेप हमारा फेशियल का कितना होता है। तो सिक्स स्टेप में पहला जो होता है वो क्लिंजर होता है। क्लिंजर ये हमारे स्किन के जो गंदगी होती है उसे साफ करता है। दूसरे में स्क्रब यानी एक्सफोलिएशन जिसको हम बोलते हैं, और वो डेड सेल्स को या जैसे आप देखते हो ना बाहर से जो गंदगी होती है पिंपल्स और ऑयली स्किन उसे क्लियर करता है। एंड तीसरे नंबर पर आपको मसाज करना चाहिए। मसाज से आपके स्किन पर प्रॉपर ऐसा जो ग्लो देखने को मिलता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक होता है, रिलैक्सेशन भी होती है। मसाज से आपको अंदर से स्किन क्लियर करता है, और उसके साथ भाप जो लेनी होती है स्टीम करना होता है। स्टीम से हमारे अंदर से जो डेड सेल्स होते हैं उसे क्लियर करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी आप फेशियल करवाते हो स्टीम लेना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। और जो पाँचवें नंबर पर आपको मास्क लगाया जाता है वो बहुत सही होता है। मास्क लगाने से आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि अब तक स्क्रब और मसाज किया है काफ़ी सारे स्किन पर ऐसे हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी चाहिए होता। तो ये मास्क का काम रिलैक्स करता है, ऊपर से ग्लो भी आपको देखने मिले। रिलैक्सिंग में आपके स्किन पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं एंड एक्ने पिंपल्स उसे ये कवर करता है, यानी जो घाव होते हैं उसे भर देते हैं। कभी कभी फेस पर इतने सारे पिंपल्स होते हैं उनकी वजह से स्किन काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, और ऐसा मसाज वगैरह करने से तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है ना। थोड़ा रिलैक्सिंग के लिए फेस मास्क वो जो है मेंटेन करता है एंड कवर करता है, आप जैसे समझ सकते हो, क्योंकि मास्क का काम है उन घावों को भरना एंड आपको रिलैक्सिंग देना। और छठे नंबर पर जो होता है, छठवें ऑप्शन आपको बहुत मोस्ट रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये मॉइस्चराइजर सीरम आपको अप्लाई करना है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप कभी भी फेशियल करवाते हो तो ये स्टेप आपको फेशियल करवा लिए हो, अगर आपके पैकेज में सीरम मॉइस्चराइजर टोनर कुछ नहीं है तो आपको अलग से सीरम लगाना चाहिए। कोई सा भी मॉइस्चराइजर ये ज़रूरी है कि आप फेशियल करवाने के बाद अपने स्किन पर अप्लाई करें। बहुत लाइट मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, टोनर भी आप अप्लाई कर सकते हो एंड सीरम हो तो ये खास होता है। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।